सो हेलो एवरीवन, दिस इज सीवा एंड वेलकम टू द चैनल। सो आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे आरडी शर्मा बुक के क्लास 11 का। ठीक है, तो उसके पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बाकी सारे चैप्टर्स का वीडियो दे चुकी हूँ, आप देख लेना। बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, देन आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले क्वेश्चंस हो गए, दैट 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, ये सारे। ओके, और क्या था, कंपाउंड एंगल्स पे बेस्ड भी क्वेश्चंस देख चुके हैं। आज देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्या है, ये सारे हो गए आपके ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। इट मींस दैट इससे पहले जो आप कंपाउंड एंगल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे, क्या क्या था, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ये सारे, तो इस फॉर्मूला से ये सारे फॉर्मूलास डेराइव हुए हैं। ठीक है, अब वो कैसे है, तो ये तो आपको एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखना होगा, बिकॉज उसमें ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जितने भी फॉर्मूलास है उसके प्रूविंग और उसको कैसे याद करना है, सारे ट्रिक भी मैंने आपको बताया है। तो वो आप देख लेना, आपको आई बटन पे मिल जाएगा, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो ये चैप्टर का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, उसमें सारे वीडियोस आपको सीरियली मिल जाएगा। ओके, तो ये सारे आपके फॉर्मूलास हो गए, एक बार सारे फॉर्मूलास को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारे कुछ 8 फॉर्मूलास हो गए, तो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, साइन, देखो सबसे पहले आप ये सारे फॉर्मूलास पहले प्रीवियस वाले वीडियो में देखे थे ना, कंपाउंड एंगल्स में जो मैंने आपको डिस्कस किया था कि साइन ए प्लस बी, देन साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये सारे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए प्लस बी था, अब क्या है कि इसको सेपरेट कर दिया गया, यहाँ देख रहे हैं साइन सी प्लस साइन डी, ये सारे। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले ये सारे डिस्कस कर लेते हैं, 5, 6, 7, 8, उसके बाद ऊपर के चार देखेंगे। तो यहाँ देखो, अगर साइन साइन दोनों में है तो 2 साइन ए प्लस बी बाई टू, यानी जो भी एंगल रहेगा सी और डी है तो सी प्लस डी बाई टू, और कॉस सी माइनस डी बाई टू, यहाँ साइन रहेगा यहाँ कॉस रहेगा। अगर जहां आपका नेगेटिव हो गया, माइनस साइन आ गया, तो कॉस पहले हो जाएगा साइन बाद में। ठीक है, रही बात अब कॉस की भी देख लेते हैं, तो कॉस दोनों में कॉस है तो यहाँ भी दोनों में कॉस रहेगा, और अगर यहाँ नेगेटिव साइन आ गया तो क्या चेंजेस होगा, सिर्फ माइनस आपका आ जाएगा और ये साइन हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो देखो अगर साइन साइन रहता है, देखो 5 वाला फॉर्मूला की बात करें, यहाँ पर आप देखो क्या है, साइन कॉस रहेगा। ठीक है, और ये तो आपका एंगल वही हो गया ए प्लस बी, यानी जो भी एंगल है सी और डी है तो सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। क्लियर है, यहाँ नेगेटिव साइन रहता है तो कॉस पहले आ गया, साइन बाद में। रही बात दोनों अगर कॉस रहे तो कॉस कॉस रहेगा, और अगर यहाँ नेगेटिव साइन आ गया तो माइनस ऑफ टू दोनों में साइन। ठीक है, और ये देखो यहाँ माइनस जो था ना उसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए तो एंगल ये चेंज हो गया डी माइनस सी, ये वाला। ठीक है, तो ये आपका आई होप 5, 6, 7, 8 क्लियर हो गया होगा। एक बार अगर याद नहीं है वीडियो पॉज करो, ये सारे फॉर्मूलास रिवाइज करो, क्योंकि इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे तो उसमें सारे यही सारे फॉर्मूलास को अप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो रही बात ये सारा चार फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखो क्या है, 2 साइन ए कॉस बी, यहाँ क्या देख रहे हैं साइन और कॉस है ना, तो यहाँ क्या रहेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल आप रिलेट करके पढ़ो कि देखो दोनों में अगर यहाँ साइन रहता था तो यहाँ साइन कॉस रहता था, इन द सिमिलर वे फर्स्ट वाला भी देख रहे हैं कि यहाँ अगर साइन कॉस है तो यहाँ भी आपका साइन रहेगा और आपका मिडिल में क्या रहेगा प्लस साइन रहेगा, दोनों कॉस है तो ये हो गया नेगेटिव साइन। अच्छा यहाँ पर देखो, तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ आपका साइन होगा। ठीक है, देखो 2 कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी। क्लियर हो रहा है, यहाँ देखो साइन और कॉस रहता था तो पॉजिटिव साइन, कॉस पहले आ गया साइन बाद में है तो नेगेटिव साइन रहेगा, इस तरह से याद करो। यहाँ थोड़ा मिस्टेक था फॉर्मूला नंबर 2 में। थर्ड की बात करते हैं, कॉस कॉस दोनों है तो यहाँ भी दोनों में कॉस रहेगा, साइन आपका प्लस करेगा, दोनों में साइन है तो यहाँ नेगेटिव साइन रहेगा। ओके, और ए माइनस बी पहले रहेगा। आई होप सारे फॉर्मूला सबको याद हो गए होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड दीज आर दी ऑप्शंस। ऑप्शंस देख लो क्या है, 0, 1, 1/2 है, माइनस ऑफ 1/2 है। ओके, अब देखो इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, अभी तुरंत यहाँ जो हम लोग फॉर्मूलाज देखे वही सारे अप्लाई हो सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्म में है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं फॉर्मूला नंबर 7 में, कॉस सी प्लस कॉस डी है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये वाला अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पर देखो वही चीज करने वाले, यहाँ पर 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, यानी ये वाला फर्स्ट एंगल हो गया, ये सेकेंड एंगल हो गया, तो सिंपली एड करो, डेट इज 40 प्लस 80 बाई टू,
ओके और ये हो गया आपका नेगेटिव करेंगे दैट इज 40 माइनस 80 बाई 2। ओके ये दो टर्म को तो आपने ये फॉर्मूला में इस तरह से लिख लोगे। अब आगे रही बात ये दो दो टर्म के लिए क्या करें, इसमें भी क्या कर सकते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दें। अदरवाइज और एक तरीका है क्या है कि 160 को आप क्या लिख सकते हो, 180 माइनस 20 डिग्री लिखा जा सकता है। ठीक है अब इन द सिमिलर वे कॉस 240 डिग्री को वी कैन राइट 180 प्लस 60 डिग्री। क्लियर हो रहा है? अब देखो ऐसा हम लोग इसको क्यों लिखे हैं तो अभी तुरंत आपको पता लग जाएगा। यहाँ देखो 2 cos, इसको ऐड करो इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा बताओ, 100 120 बाई 2 डेट इज कॉस 60 डिग्री। और इधर रही बात कॉस माइनस ऑफ 40 बाई 2 डेट इज माइनस ऑफ 20 डिग्री। ठीक है तो यहाँ बताओ इधर वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखो कॉस, एक मिनट मैं पेन चेंज कर देती हूँ, देखो यहाँ पर ये वाला कॉस 180 माइनस 20 डिग्री, यानी कि आपको ये इस तरह से दिख रहा है कॉस 2 into 90 माइनस ऑफ थीटा इस तरह से है। अब बताओ मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी आपको इवन मल्टीपल ऑफ 90 दिखे उसमें क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डज नॉट चेंज, इट मींस दैट ये किसमें चेंज हो जाएगा, किसी में चेंज नहीं होगा, सिर्फ कॉस ही रहेगा और थीटा एंगल आपका क्या है 20 डिग्री। ओके ओके तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि कभी भी इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री जहां आपको दिखे देयर इज नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर ऑड मल्टीपल रहे तब तब चेंज होता है। अगर यहाँ 90 रहे या यहाँ पर देखो यहाँ 2 था ना, इसकी जगह में ऑड नंबर कोई भी रहे 3 into 90 रहे या फिर 5 into 90 रहे, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 कहीं भी दिखे व्हाट यू हैव टू डू सिंपली यू हैव टू चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। किसमें चेंज होगा तो वो सारी चीजें मैं आपको प्रीवियस वीडियोज में भी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है तो बात देख लेना आपको क्लियर हो जाएगा। और रही बात ये क्वेश्चन पे आते हैं तो यहाँ देखो आपने ये तो लिख दिया, अब साइन क्या रहेगा पॉजिटिव या नेगेटिव ये कैसे पता लग जाए, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट। ओके तो क्वाड्रेंट में चेक कर लेते हैं। देखो 180 डिग्री यानी यहाँ माइनस ऑफ 20 यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड में आप बताओ ये देखो याद आया ASTC इट मीन्स ऑल स्कूल टू कॉलेज, यहाँ तो देखो सेकंड में सिर्फ यानी सेकंड में तो सिर्फ साइन और कॉस ही पॉजिटिव होते हैं अदरवाइज बाकी सारे तो नेगेटिव होते हैं। कॉस की बात करें 180 माइनस 20 यानी यहाँ पर ही होगा तो ये तो आपका नेगेटिव होगा माइनस ऑफ 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री आएगा। क्लियर हो गया? अगेन सेम थिंग यहाँ भी आपको करना है कॉस 180 प्लस 60 जैसे मैंने बताया ये भी इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, थीटा एंगल आपका 60 डिग्री है ना ये वाला। ओके रही बात साइन की, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव इस पे डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पे, तो क्वाड्रेंट देखो 180 प्लस थीटा, 180 यहाँ हो गया प्लस थीटा यानी यहाँ पर आपका एंगल फॉर्म हो रहा है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। अब बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में टी टी स्टैंड फॉर टैन और कॉट के लिए वो सारे पॉजिटिव अदरवाइज बाकी सारे नेगेटिव, यानी अगेन यहाँ पर क्या देख रहे हैं ये भी आपका नेगेटिव रहेगा। ओके तो यहाँ तक आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर देखो कुछ वैल्यूज जिसका आपको पता है वो सिंपली पुट अप करते हैं। यहाँ देखो cos 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है दैट इज 1/2 तो 2 into 1/2 हो गया। अब यहाँ देखो cos माइनस ऑफ एंगल 20 डिग्री है तो माइनस ऑफ थीटा आपको पता होगा कि नेगेटिव एंगल में मैंने बताया था cos और sec पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है तो ये हो गया आपका cos 20 डिग्री, ठीक है और ये हो गया आपका माइनस ऑफ cos 20 डिग्री और इधर पे माइनस ऑफ cos 60 डिग्री। ठीक है cos 60 डिग्री के डायरेक्ट वैल्यू ही पुट अप कर देते हैं। ठीक है क्या होता है 1/2। ओके ये हो गया 1/2। अब यहाँ पर देखो ये हो गया आपका cos 20 डिग्री यहाँ भी cos 20 डिग्री ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया यानी आपका आंसर क्या आ गया माइनस ऑफ 1/2। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू क्वेश्चन नंबर 1 यानी ये इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस ऑफ 1/2। ऑप्शन में चेक कर लो दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। ओके आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। ठीक है तो आपको क्लियर हो गया ना, देखो यहाँ क्या किए हैं cos c plus cos d वाला फॉर्मूला अप्लाई किए हैं और अदरवाइज ये जो आपको इतनी बड़ी बड़ी एंगल जहां पर आपको दिख गई ना क्या करो सिंपली 180 प्लस माइनस थीटा के टर्म में लिख दो या फिर 360 प्लस माइनस थीटा के टर्म में लिख दो, उसके बाद आपको चेंज करना तो आता ही है जैसे मैंने आपको सारे आपको ट्रिक भी बताया है। क्या बताया
कि कभी भी आपको इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री दिखे, नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ओके। और कभी भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री दिखे, व्हाट यू हैव टू डू बताओ, 90 डिग्री दिखे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलो, इट चेंजेस। अब ये रही बात किसमें चेंज होगी, तो वो भी बता देती हूँ। देखो साइन किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस में, या फिर कॉस की बात करें तो वो साइन में चेंज हो जाएगा। टैन किसमें चेंज होता है, कॉट में। कॉट किसमें चेंज होगा, टैन में। सिमिलर वे कॉसेक की बात करें तो कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा, और सेक कॉट में। ठीक है, यहाँ पर कुछ एंगल दे देते हैं, थीटा। आई होप ये क्लियर होगा। और रही बात साइन, साइन के बारे में तो भूल ही गए। साइन तो मेन है ना, कि आपने चेंज तो कर दिया, प्लस रहेगा या माइनस, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में, आपको ये चेक करना होगा एंगल। और इसके लिए भी आपको ट्रिक है, ASTC, दैट इज ऑल स्कूल टू कॉलेज, ए फॉर ऑल, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक्स आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसकी बात करें तो साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव रहेगा, बाकी अदर नेगेटिव। टी की बात करें तो ये टैन और कॉट हो गया, और सी हो गया आपका कॉस और सेक। आई होप ये सारी चीजें आपको पता होंगी, नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री का हो गया। और एक चीज मैंने बताया था, याद है आपको, कभी भी आपको 360 डिग्री दिख जाए, कुछ भी मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री दिख जाए, इसमें भी क्या रहता है, नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, और साइन मत भूलना, ये वाला क्वाड्रेंट आप चेक कर लेना। ठीक है, आई होप ये वाला क्लियर होगा, क्वेश्चन नंबर वन। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर टू, एंड दीज आर दी ऑप्शंस, ओके। सो ये भी आप देख लो, यहाँ पर देखो अगेन क्या देख रहे, देखो 163 डिग्री, 347 डिग्री। सो देखो यहाँ अगेन क्या देख रहे हैं, 160 डिग्री, 347 डिग्री, क्या किया जाए, 90 प्लस माइनस थीटा या फिर 360 प्लस माइनस थीटा, ये के फॉर्म में ले आएंगे। सो डैट आप उसको चेंज कर दो, सो डैट आपको जो वैल्यू होगा या फिर एंगल होगा वो स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख लो साइन, देखो 160 डिग्री को क्या लिख सकते हो बताओ, 180 माइनस ऑफ 17 डिग्री। ठीक है, माइनस किया तो 163 आ गया, आएगा ना। और यहाँ पर देखो 347, ओके, तो 360 माइनस ऑफ 13 डिग्री, 50 60, हाँ ठीक है। और इधर पे देखो साइन, अगेन यहाँ देख रहे 70 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 90 माइनस ऑफ 17 डिग्री लिख सकते हैं। और ये वाला फिर से वही है कि 167 डिग्री, तो इसको लिख दिए 180 माइनस ऑफ 13 डिग्री। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना, कि कभी भी आपको कोई भी एंगल इस तरह से दिखे, सो देखो कभी भी आपको एंगल इस तरह से दिखे ना, तो सिंपली क्या करना है, 90 प्लस माइनस थीटा या 180 प्लस माइनस थीटा या फिर 360 प्लस माइनस थीटा, ये सब में आपको इसको चेंज कर दो, उसके बाद आपको जो एंगल होगा वो स्मॉलर हो जाएगा ना, इसीलिए इसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बताओ आप फर्स्ट वाला देखो, ये वाला, यहाँ देखो साइन 180 माइनस ऑफ थीटा, अगेन क्या देख रहे, 180 मतलब 2 into 90, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ 90, इवन मल्टीपल ऑफ 90 में क्या होता है, नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ये साइन 17 डिग्री ही रह जाएगा। और रही बात पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, तो देख लेते हैं, 180 माइनस ऑफ थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में तो साइन तो पॉजिटिव होता है, ये तो यही रह गया। और इसका देखो कॉस 360 माइनस ऑफ थीटा, मैंने क्या बताया, 360 जहां भी दिख जाए, सिंपल क्या करना है, कोई चेंज नहीं होता है, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, ये हो गया कॉस 13 डिग्री। और साइन की बात करें तो 360 माइनस ऑफ थीटा, क्वाड्रेंट देख लो, 360 यानी यहाँ, माइनस ऑफ थीटा यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फोर्थ में तो कॉस का ही घर है वो, है ना। ये देखो ASTC, ऑल स्कूल टू कॉलेज, सी यानी कि फोर्थ यानी यहाँ तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अब इधर पे देखो साइन 90 माइनस थीटा, ये बताओ ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हो गया ना, 1 into 90, देयर इज अ चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, किसमें चेंज होगा, कॉस 17 डिग्री, कॉस में चेंज हो गया, और आपका एंगल क्या था, 17 डिग्री था। साइन क्या रहेगा बताओ, 90 माइनस थीटा, 90 मतलब ये वाला, और
माइनस ऑफ थीटा यानी आपका एंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं तो ये तो प्लस ही हो गया। अगेन यहाँ देखो इवन मल्टीपल ऑफ 90, नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और एंगल की बात करें 180 माइनस ऑफ थीटा यानी इधर सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में आपको बताओ साइन का ही घर है वो एस है ना, तो ये तो पॉजिटिव होगा। तो ये आपका सिंप्लीफाई किए तो ये सारे आपका कुछ वैल्यूज आ गए। अब यहाँ बताओ यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ 17 डिग्री या 13 डिग्री, ये दो एंगल है यानी कि ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के फॉर्म में है। इट मीन्स दैट वी कैन राइट साइन ए प्लस बी, ठीक है 17 डिग्री प्लस 13 डिग्री, ये आपको प्रीवियसली मैंने फॉर्मूला बताया था ना कंपाउंड एंगल्स वाला, तो यही तो है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है साइन ए प्लस बी। सिंपली इसको सॉल्व करो, यहाँ पर देख रहे हैं आपका क्या आ जाएगा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री यानी 1/2, तो 1/2 इज द आंसर हो गया और क्या। तो यहाँ पर आप देखो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर टू, तो कभी भी आपको इस तरह से बड़ा बड़ा एंगल दिखे क्या करना है, चेंज कर देना है। चेंज कर दिया तो एंगल देख रहे हो 17 डिग्री 30 डिग्री आ गया, क्लियर है क्वेश्चन नंबर टू। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, यहाँ देखो क्या है, एंड दीज आर दी ऑप्शंस ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ देखो आपको क्या बोला गया है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। और कुछ क्या क्या आपका वैल्यूज गिवन है यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ देखो साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 फाई इज इक्वल टू 1/2, ये आपको कुछ वैल्यू गिवन है, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। और एक वैल्यू क्या दिया है, कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 2 फाई इज इक्वल टू 3/2, ये एक वैल्यू गिवन है, ओके। तो ये दो आपका इक्वेशन हो गया, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या किया जाए, तो यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया, फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो ओके, तो यहां मैं लिख देती हूँ स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ द इक्वेशन वी गेट, देखो दोनों को स्क्वायर कर दिया फिर ऐड कर देते हैं। अब एलएचएस वाली को देखो, दोनों को स्क्वायर किया, इट मींस दैट ये कुछ इस तरह से आएगा साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 फाई होल स्क्वायर, और प्लस में अब एलएचएस वाले को पहले लिख रहे हैं इन द सिमिलर वे कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 2 फाई होल स्क्वायर कर दिया, ये हो गया आरएचएस वाला पार्ट। अब एलएचएस में भी होल स्क्वायर करेंगे तो इधर हो गया 1/4 और प्लस में 9/4, इसको सॉल्व किया तो बताओ क्या होएगा 10/4, फिर से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं 2 टाइम्स इधर 5/2 आ गया, ठीक है। तो आपका आरएचएस वाला वैल्यू मिल गया 5/2, आपको एलएचएस में तो कुछ सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो क्या किया जाए, यहाँ पर देख रहे हैं आपने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा है वो फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है ना। ये देखो साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्म में है, इट मीन्स दैट वी कैन राइट क्या लिखा जा सकता है बताओ, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 यानी 2 थीटा प्लस 2 फाई बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अभी जो हमने फॉर्मूला देखा उसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया साइन, अब बताओ यहाँ क्या रहेगा, कॉस रहता है बिकॉज यहाँ पॉजिटिव साइन, अगर यहाँ नेगेटिव रहता तब कॉस पहले रहता साइन बाद में, है ना। तो यहाँ देखो अगेन सेम थिंग, कॉस 2 cos 2 थीटा माइनस ऑफ 2 फाई बाई 2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर दिया, ये तो आपका फर्स्ट वाला पार्ट निकल गया है ना, और दैट इज साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला अप्लाई किए। अगेन इन द सिमिलर वे प्लस ये यहाँ भी आप वही अप्लाई कर सकते हो फॉर्मूला, क्या cos c प्लस cos d वाला क्या हो जाता है बताओ, यहाँ मैं लिख देती हूँ देखो 2 यहाँ प्लस दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 cos ए प्लस बी बाई 2 यानी 2 थीटा प्लस 2 फाई बाई 2, ठीक है। और देखो यहाँ प्लस है ना तो यहाँ भी कॉस ही रहेगा, दैट इज 2 थीटा माइनस ऑफ 2 फाई बाई 2, ठीक है। एंड विच इज आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, सिंपली हम लोग फॉर्मूला अप्लाई किए हैं। तो यहाँ देखो इसकी वैल्यू क्या देगी 5/2, आई होप आर एच एस वाला क्लियर होगा, 5/2 और आर एच एस भी समझ में आ गया, जो फॉर्मूला मैंने अभी डिस्कस किया ना वही अप्लाई किए। अब यहाँ देखो जो एंगल आपको दिख रहा है 2 थीटा प्लस 2 फाई बाई 2, यहाँ पर आपका 2 कैंसिल हो गया,
इधर भी टू, यानी ये सारे में आपको देख रहे हो टू कैंसिल आउट हो गया। और रही बात होल स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर भी कर दिया जाए, ठीक है। तो टू का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फोर। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ बताओ आपको वैल्यू क्या मिलेगा, फोर। देखो साइन, यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव आएगा। अब बताओ टू कहाँ गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया जाए टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव, ये समझ में आ रहा है। और मल्टीप्लाई में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव, ओके। ये देखो पहला टर्म आपको क्लियर है ना, प्लस में अगेन क्या देख रहे हैं, ये भी आपका होल स्क्वायर था, देखो फोर हो गया, और यहाँ भी टू टू आपका कैंसिल आउट हो गया, यानी आपका रिमेनिंग इधर पे क्या बचेगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फाइव, और मल्टीप्लाई में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव, ओके। और आपका आर एच एस वाला साइड आप देखो, उसकी वैल्यू क्या आ गई थी, फाइव बाई टू, इधर पे फाइव बाई टू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कैंसिल नहीं हो रहा है। यहाँ देखो ये वाला टर्म तो आपको कॉमन है ना दोनों में, तो कॉमन ले सकते हैं, फोर, फोर भी कॉमन है, फोर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव क्या की, कॉमन ले लिए। और आपका रिमेनिंग बताओ क्या बचेगा, इधर पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव, और इधर पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव, ये क्लियर हो रहा है। अब बताओ यहाँ पर आपको कुछ याद आ रहा है इससे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या पढ़ा था आपने, याद है, याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वन होती है, यानी ये ब्रैकेट वाला पार्ट तो खत्म, इसकी वैल्यू वन, ओके। तो यहाँ देखो फोर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ फाइव एंड इक्वल टू फाइव बाई टू, ओके। तो यहाँ बताओ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव की वैल्यू आ गई, ये तो फाइंड आउट करना था आपको, ठीक है। फोर से मल्टीप्लाई किया, दैट इज फाइव बाई एट, तो दिस इज द आंसर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू फाइव बाई एट। ऑप्शन में सिंपली चेक कर लो, यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। देखो इसमें हमने क्या किया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ द इक्वेशन, आपको ये सारे कुछ वैल्यूज मिल गए, और इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन सी प्लस साइन डी, जो अभी मैंने बताया वही वाला फॉर्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, एंड दीज आर द ऑप्शंस, ओके। तो यहाँ भी देखो क्या किया जाए, यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉस 52 डिग्री प्लस कॉस 68 डिग्री प्लस कॉस 172 डिग्री, देखो क्या किया जाए इसमें, अगेन क्या देख रहे हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है इसमें, ठीक है। पहले दो टर्म के लिए वही करते हैं, इसके लिए देखेंगे, है ना। तो यहाँ देखते हैं टू कॉस ए प्लस बी बाई टू, एड करो 52 प्लस 68 बाई टू, और कॉस सी माइनस डी, यानी कि 52 माइनस ऑफ 68 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर देखो प्लस, यहाँ देखो कॉस 172 डिग्री, अब बताओ इसको क्या किया जा सकता है, जैसे मैंने बताया ना कि कोई भी अगर इस तरह से बड़ा बड़ा एंगल दिखे क्या करना है, 180 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, या 360 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिख दो, उसके बाद चेंज कर दो, एंगल स्मॉल हो जाएगा ना, इसलिए ऐसे करने बोल रहे, ठीक है। अब बताओ 170 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, 180 माइनस 8 डिग्री, ओके, ठीक है। तो ये लिख दिए, अब बताओ इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगी, ये 70 और 50 यानी कि 120 बाई टू, डेट इज 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ इसको आप सब्ट्रैक्ट करो, 8 और 8 16 बाई टू, यानी 8 डिग्री, कॉस 8 डिग्री आएगा। अब देखो यहाँ माइनस रहेगा ना, तो जैसे मैंने बताया था ना आपको, कॉस नेगेटिव एंगल कभी भी रहे तो क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये सिर्फ कॉस और सेक में होता है, ठीक है। कॉस और सेक में नेगेटिव एंगल कभी भी रहे तो कॉस सेक पॉजिटिव होता है। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने भी हो गया, आपका साइन हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, वो सारे अगर कभी भी नेगेटिव एंगल दिखे तो वो माइनस आगे में लग जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखना होगा, बिकॉज ये सारी चीजें उसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ये मैं बस आपको जहां जहां जो अप्लाई हो रहा है वो आपको साइड पे बताते हुए जा रही हूँ, ओके। अब ये वाला की बात करें तो यहाँ पर देखो क्या है, 180 माइनस ऑफ थीटा, यानी इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल में क्या पड़ा है, नो चेंज, क्या हो जाएगा, कॉस 8 डिग्री, ठीक है। अब प्लस रहेगा या माइनस चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखो 180 माइनस थीटा, 180 मतलब यहाँ माइनस थीटा, यानी यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एंगल कहीं फॉर्म होगा, सेकंड में बताओ
एस रहता है, एस मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस देंगे, माइनस कॉस 80, समझ पाया? ठीक है, अब इसकी वैल्यू जिसकी वैल्यू जानते हैं वो वैल्यू पुट अप करो, cos 60 डिग्री यानी 1 by 2, अगेन यहाँ क्या देख रहे हैं 2 into 1 by 2 आ गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, cos 8 डिग्री और माइनस ऑफ cos 8 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ देखो ये तो कैंसिल हो गया ना, यानी इसकी वैल्यू जीरो आ गई, तो ये आपका ऑप्शन देखो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, किस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आपको समझ में आ रहा है ना, कि देखो फॉर्मूला स्टार्टिंग वाले दो टर्म में हमने अप्लाई किया, दूसरे वाले में क्या किया 180 प्लस मैंने थीटा मिले है, देख रहे हैं दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अब है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ देखो देखो ये वाले आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन एंगल ये जो चैप्टर में अभी आपको करा रही हूँ इसमें टोटल आई थिंक 1 से लेकर 13 या 14 क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दीज आर दी ऑप्शंस, अगेन आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, साइन 78 डिग्री माइनस ऑफ साइन 66 डिग्री माइनस ऑफ साइन 42 डिग्री प्लस साइन 6 डिग्री, ओके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। देखो यहाँ पर देखो इसमें तो जाहिर सी बात है अभी तक जो फॉर्मूला अप्लाई करते हुए जा रहे हैं साइन सी प्लस साइन डी या फिर आप बोलो साइन सी माइनस ऑफ साइन डी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। वन मोर थिंग, इसमें आप एक चीज आप ध्यान में रखना, कभी भी आप पेयरिंग करोगे ना कि साइन सी और साइन डी, अगर आप कोई भी दो एंगल ले रहे हो उसका पेयरिंग करके जो फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो ये ध्यान में रखना जो एंगल होगा ना उसको ऐड करके आपको कुछ ऐसा देखना कि आइदर 0 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, यानी जिसकी आपको वैल्यू पता है उस फॉर्म में आ जाए, सो डैट आप उसकी वैल्यू पुट अप कर सको, तो ये एक बात आप ध्यान में रखना। अगर नहीं, अगर कोई एंगल वैसा पेयरिंग हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसी तरह से सॉल्व करना जैसे प्रीवियसली सॉल्व क्वेश्चन करते हुए आए हैं, है ना। पर ये चेक कर लेना अगर कोई दो एंगल का सम 60 डिग्री 30 डिग्री ऐसा आ रहा है तो वो वाला दो पेयर पहले आप ले लेना। यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं कि साइन 78 डिग्री और ये साइन 42 डिग्री, ओके तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो 80 आपका 78 और 42 दैट इज 180 आएगा, सॉरी 120 आएगा, 120 बाई 2 किया तो 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री की आपको वैल्यू पता है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ वही चीज करेंगे कि आप साइन 78 डिग्री, ठीक है, और माइनस ऑफ साइन 42 डिग्री, ये आपका फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हो, ये एक एंगल ले लिया 78 और दूसरा एंगल ले लिया 42, ओके। अब यहाँ देखो एक वैल्यू क्या है साइन 6 डिग्री और इधर पे माइनस ऑफ साइन 66 डिग्री, ठीक है, अगेन सेम फॉर्मूला वही साइन सी और यहाँ देखो नेगेटिव है ना, तो ये आप ध्यान में रखना क्या है माइनस है तो पहले कॉस आएगा यानी 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 78 प्लस 42, ठीक है, और इधर पे साइन ए माइनस दैट इज 78 माइनस ऑफ 42 बाई 2, यहाँ तो क्लियर है। तो ये आपका फर्स्ट दो टर्म का आपने इस तरह से फॉर्मूला लिख लेना। अब नेक्स्ट देखो यहाँ भी क्या किया जा सकता है, वही अगेन साइन सी और साइन डी वाला जो फॉर्मूला भी मैंने बताया वही अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ भी 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 और इधर पे साइन ए माइनस बी बाई 2 यानी 6 माइनस ऑफ 66 बाई 2, ठीक है। तो यहाँ बताओ इसको ऐड किया तो 60 डिग्री cos 60 डिग्री आ गया और इधर पे sin, यहाँ देखो इसको सब्ट्रैक्ट करो ये क्या आएगा 6 और 36 बाई 2 यानी 18 डिग्री और यहाँ देखो प्लस 2 cos, इसको ऐड करो 12 है 172 बाई 2 यानी कि आपका आ जाएगा 72 बाई 2 डेट इज 36 डिग्री, ठीक है। और इधर पे देखो साइन यहाँ पर आप ध्यान दो, देखो 6 माइनस किया यानी माइनस ऑफ 30 डिग्री आएगा, ये समझ में आ रहा है। तो अभी तुरंत मैंने आपको बताया था नेगेटिव एंगल के बारे में कि माइनस ऑफ थीटा कॉस और सेक जब भी रहेगा नेगेटिव एंगल में तब वो सिंपल पॉजिटिव हो जाता है। रही बात अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, यहाँ पर देख रहे हैं साइन है ना, माइनस ऑफ थीटा यानी माइनस साइन थीटा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, चलो एक लाइन और लिख लेते हैं, यहाँ देखो 60 डिग्री की वैल्यू पुट अप कर दो 2 इंटू 1 बाई 2, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया साइन 18 डिग्री। यहाँ भी क्या देख रहे हैं 2 कॉस 36 डिग्री और यहाँ पर क्या होगा माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री,
समझ में आ रहा है, ये माइनस क्या करो तो यहाँ लिख देते हैं, आपको देखो ठीक है, ये माइनस हो गया। अब देखो साइन 30 डिग्री की तो वैल्यू आपको पता है ना, साइन 30 डिग्री मतलब 1/2, ठीक है। यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया, ये इरेज कर देते हैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू, बिकॉज हम लोग वैल्यू को टप कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ बताओ आपका रिमेनिंग क्या बचेगा, साइन 18 डिग्री और माइनस ऑफ कॉस 36 डिग्री, ठीक है। अब देखो आपको ये सारे वैल्यूज आपको कुछ याद होना होगा, होना चाहिए है ना, क्या साइन 18 डिग्री और 36 का याद होना चाहिए। क्या वैल्यू होता है यहाँ पर देखो, √5 माइनस ऑफ 1/4 और इधर पे √5 प्लस 1/4, ठीक है। तो ये सारे कुछ वैल्यूज, कुछ एंगल्स आपको याद रखना है, जैसे साइन 18 डिग्री कॉस 36 डिग्री। सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लिया 4 हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं √5 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, -1 -1 आएगा यानी कि -2/4 आएगा, तो सॉल्व करेंगे यानी -1/2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर होगा, यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आई होप ये भी क्लियर होगा। तो समझ में आया ना कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेंगे, अदरवाइज या तो आप ऐसा करो कि कोई भी दो एंगल ले लो, साइन सी माइनस और साइन डी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, अदरवाइज क्या कर सकते हो, एक और चीज जैसे मैंने बताया कि आप ऐसा दो एंगल ले लो जिसकी वैल्यू आ जाए 60 30 डिग्री, इस तरह से आ जाए 90 डिग्री, सो डैट उसकी वैल्यू आप डायरेक्ट पुट अप कर सको, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हो तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका -1/2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, दीज आर द ऑप्शंस, ठीक है। सो यहाँ पर देखो आपको यहाँ भी अगेन देख रहे हैं, आपको कुछ वैल्यूज गिवन है, आपको टैन अल्फा माइनस ऑफ बीटा बाई टू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। तो क्या किया जाए, यहाँ पर देखो एक वैल्यू दिया है साइन के टर्म में, एक वैल्यू दिया है कॉस के टर्म में, ओके। टैन क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है ना, तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है कि दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, दोनों जो आपको इक्वेशन दिया है, ठीक है। तो यहाँ देखो आपको दोनों इक्वेशन जो है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू ए है ना, इसको डिवाइड कर देते हैं ये वाला से दूसरा वाला जो इक्वेशन आपका दिया हुआ है, कॉस अल्फा माइनस ऑफ कॉस बीटा इज इक्वल टू बी, ठीक है, डिवाइड कर दिए, ओके। सो ये तो आपको टैन अल्फा माइनस बीटा बाई टू के टर्म में लाना है, टैन कब आएगा जब साइन बाई कॉस होगा तब, ठीक है। सो यहाँ पर देखो और किया क्या किया जा सकता है, इसको सिंपली डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखो अगेन क्या देख रहे हैं, आपको न्यूमरेटर वाला पार्ट देखो, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, अभी फॉर्मूला जैसे मैंने बताया ना वो वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो सकता है, तो लिख देते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू आएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई में कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, और डिवाइड में कॉस वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ देख रहे हैं नेगेटिव है ना, तो क्या होता है माइनस ऑफ 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, देखो ये नेगेटिव वाला फॉर्मूला आप ध्यान देना है इसमें, ठीक है, क्योंकि बिकॉज देखो न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है पॉजिटिव रहेगा तो साइन कॉस लिख दिया, नेगेटिव रहता तो पहले कॉस बाद में साइन, और कॉस में थोड़ा मे बी आप कभी प्रॉब्लम आ सकता है कि आप भूल जाओ, है ना, तो ये ध्यान में रखना कभी भी आप नेगेटिव रहेगा तो क्या हो सकता है माइनस रहेगा पहले, माइनस ऑफ 2 और दोनों में साइन रहेगा, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंड विच इज इक्वल टू ए बाई बी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ देखो आप कुछ कैंसिल आउट हो रहेगा, यहाँ ये भी कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखो ये कॉस बाई साइन है ना, कॉस बाई साइन मतलब कॉट, यहाँ माइनस में तो था माइनस कॉट अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू ए बाय बी, ठीक है। तो इट मीन्स दैट आप इसको लिख सकते हो क्या, कॉट अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बाय बी, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हैं नेगेटिव इधर था इधर कर दिया, ओके, या फिर आप बोलो दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिए और क्या, ठीक है। सो ये हो गया, अब देखो टैन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की आपको वैल्यू चाहिए, आया तो है कॉट में, आपको तो पता ही है ना कॉट क्या रहता है, 1/tan तो होता है, यानी इट मीन्स दैट आप tan की वैल्यू यहाँ से बता सकते हो ना, tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 क्या करना होगा, उसका जो भी आपको कॉट का वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर दो, जैसे माइनस ऑफ ए बाई बी है तो माइनस बी बाई ए, तो ये आपका आंसर हो गया जो आपको वैल्यू चाहिए था, ठीक है, माइनस बी बाई ए, यहाँ देख रहे हैं माइनस बी बाई, यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा, है ना। देखो इसमें आपको जो भी आपको वैल्यू फाइंड आउट करना होगा ना, तो वो सबसे पहले देखना कि क्या फाइंड आउट करना है। टैन है तो टैन के टर्म्स में लाएंगे, बिकॉज साइन और कॉस आप देख रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, सो दैट उसकी वैल्यू टेन आ जाए। तो इसी तरह से आपको अप्रोच लगाना होगा कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर सिक्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपको ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेवन, एंड दीज आर दी ऑप्शंस। ओके, सो यहाँ देखो अगेन क्या देख रहे हैं, साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, और ये वाला को क्या कर सकते हो, 180 प्लस माइनस थीटा के टर्म में लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ 2 cos a प्लस b बाई टू यानी 35 प्लस 85 बाई टू, और cos a माइनस b बाई टू यानी 35 माइनस ऑफ 85 बाई टू, ओके। और प्लस में यहाँ पर cos, देखो देखो 155, 180 में क्या माइनस करेगी, 155 आएगा, माइनस सिंपली माइनस करो, बताओ 25 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो 2 cos, यहाँ देखो इसको ऐड करो 90 120 बाई टू, यानी यहाँ 60 डिग्री आ गया, और यहाँ देखो cos, तो यहाँ पर सिंपल माइनस करो, यहाँ देखो 50 बाई टू, डेट इज 25 डिग्री, ओके माइनस 25 डिग्री आएगा, बताओ यहाँ कॉस है तो वो पॉजिटिव हो जाता है ना, वही चीज है। और यहाँ देखो ये वाला नेगेटिव माइनस ऑफ थीटा है ना, यहाँ क्या है, इवन मल्टीपल, यानी कॉस 25 डिग्री होगा, और प्लस रहेगा या माइनस, 180 माइनस ऑफ थीटा, यानी कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव हो गया, ठीक है। अगेन यहाँ क्या देख रहे हैं, जिसकी वैल्यू आपको पता है, सिंपली वैल्यू पुट अप करो और देखो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ अगेन क्या देख रहे हैं, ये तो कैंसिल आउट हो गया और इसकी वैल्यू तो जीरो आ गई, दोनों ये भी कैंसिल आउट हो गया माइनस किया, तो यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, तो ये हो गया, ठीक है। तो देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करते हुए हैं सब इसी तरह से था ना, आप कोई भी दो टर्म को ले लो, फॉर्मूला अप्लाई करो, और जो भी बिगर एंगल दिखे उसको क्या करो, सॉल्व बना लो। कैसे बनाना है, 180 प्लस माइनस थीटा कर दो, 360 प्लस माइनस थीटा के टर्म में लिख दो, या फिर 90 प्लस माइनस थीटा के टर्म में लिख दो, और उसकी वैल्यू तो आपको समझ में आ ही गया होगा ट्रिक, है ना, जो मैंने यहाँ सारे बताया था आपको, ये वाला ये सारे, ओके। आई होप ये सारे क्वेश्चंस अभी तक जैसे जितने भी मैंने करवाया आपको क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 7 तक। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एंड दीज आर द ऑप्शंस ए बी सी डी। सो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, तो अगेन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ भी दो टर्म आपको ले लेते हैं, दोनों को सॉल्व करके उसके बाद 10 डिग्री को देखेंगे, ओके। तो इसकी वैल्यू बताओ, यह नेगेटिव है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 पहले कॉस रहेगा बिकॉज यह नेगेटिव है, ए प्लस बी बाई टू यानी 50 प्लस 70 किया, 120 बाई टू यानी 60 डिग्री, और साइन यहाँ देखो 50 माइनस ऑफ 70 बाई टू यानी माइनस 20 बाई टू आएगा, यानी माइनस ऑफ 10 डिग्री आएगा, ओके। और यहाँ पर प्लस 10 डिग्री, देखो यहाँ पर अगर कॉस रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, नेगेटिव एंगल तो वो तो पॉजिटिव हो जाता, साइन है ना तो यहाँ माइनस आगे पे आ जाएगा। अगेन यहाँ देख रहे हैं cos 60 डिग्री की वैल्यू 1 बाई टू पुट अप कर दो, यहाँ तो 2 इंटू 1 बाई टू, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, और माइनस ऑफ साइन 10 डिग्री, और इधर भी प्लस साइन 10 डिग्री था, अगेन क्या देख रहे हैं, कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो, ओके। सबका आंसर जीरो ही है क्या, अभी तक जितने भी देखे है ना, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एंड दीज आर द ऑप्शंस ए बी सी डी। तो यहाँ आप देखो क्या है, यहाँ देखो 47 डिग्री, फिर 61 डिग्री, 11, 25, ठीक है। सो यहाँ देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ओके। तो यहाँ देख रहे हैं साइन 47 डिग्री और साइन 25 डिग्री, ओके। तो ये दोनों को ऐड करो तो देखो 72 बाई टू आएगा, यानी 36 डिग्री आएगा, तो उसकी वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो हम लोग ये दोनों आपका एंगल का पेयरिंग करेंगे, यानी कि साइन 47 डिग्री माइनस ऑफ साइन 25 डिग्री, इसका फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी साइन सी माइनस साइन डी हो गया, तो ये आपको समझ में आ रहा है ना कि या तो आप दो करके कोई भी पेयरिंग करके उसका फॉर्मूला अप्लाई करो, या तो क्या करो दोनों एंगल देख लो कि जिसका सम जैसे मैंने बताया, जिसका वैल्यू आपको नोन हो पता हो, तो वो सारे एंगल्स आपको उस तरह से लेना है,
ठीक है, साइन 61 डिग्री माइनस ऑफ साइन 11 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये देखो साइन सी माइनस ऑफ साइन डी है ना, नेगेटिव है, तो पहले कॉस आएगा, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू, इसको ऐड किया, सो यहाँ पर देखो 72/2 यानी 36 डिग्री आएगा, और साइन ए माइनस बी बाई टू यानी ये दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, देखो 25 माइनस करेंगे तो 22/2 यानी 11 डिग्री आएगा, ठीक है। और अगेन इन द सिमिलर वे यहाँ भी साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई करते हैं यानी 2 कॉस, ये दोनों को ऐड करो 72 आएगा, तो 72/2 यानी 36 डिग्री, और साइन ऐड किए, अब सब्ट्रैक्ट करते 11 डिग्री यानी 50/2 यानी 25 डिग्री। अब यहाँ पर देखो आपको 2 कॉस 36 डिग्री दोनों में है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली कॉमन ले लो 2 कॉस 36 डिग्री, ठीक है। और आपका रिमेनिंग ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन 11 डिग्री प्लस साइन 25 डिग्री, ओके। अब देखो इसकी वैल्यू तो आपको नहीं पता है, यहाँ पर देखो ऑप्शन में या तो 36 डिग्री है या तो 7 डिग्री करके आंसर है, ओके। क्या किया जाए, ब्रैकेट वाले पार्ट को आप देखो फिर से अप्लाई कर सकते हो साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला, तो अप्लाई कर देते हैं, यहाँ देखो 2 कॉस 36 डिग्री को एज इट इज रहने दो, इधर पे हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई टू, यहाँ देखो ऐड करो 20, 30, 35, 36/2 यानी 18 डिग्री, ओके। और कॉस ए माइनस बी यानी कि 11 डिग्री और माइनस ऑफ 25 डिग्री को सब ट्रैक करते हैं तो क्या आएगा बताओ, 25 माइनस 11 14/2 7 डिग्री, ठीक है, ओके। तो यहाँ अगेन आपको देखो, आपको ये सारे वैल्यूज आपको तो पता है ना, आपको ऑलरेडी जैसे मैंने अभी बताया 2 इंटू देखो रूट 5 प्लस 1/4, और इधर पे देखो मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ठीक है। और साइन 18 डिग्री की वैल्यू डेट इज रूट 5 माइनस ऑफ 1/4, और इधर पे कॉस 7 डिग्री, ओके, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर देखो 4 तो कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर में देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में, इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस और बी स्क्वायर, इट मीन्स 4/4 आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, आपका कॉस 7 डिग्री इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, ओके। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ओके। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ देखो एंड दीज आर दी ऑप्शंस, देख रहे हो m के टर्म में है आपका ऑप्शन, है ना, m माइनस 1 डिवाइड बाय m प्लस 1, ठीक है। तो देखते हैं, देखो आपको इसकी वैल्यू चाहिए cot a प्लस b बाय 2 cot b माइनस a बाय 2, ओके। एंड आपका गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, cos a इक्वल टू m cos b, यही बस आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सो यहाँ पर देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, cos a बाय cos b इक्वल टू m, ओके, सिंपली डिवाइड कर दिया, ओके। अब देखो इसका नेक्स्ट स्टेप आप ध्यान दो यहाँ पर, तो ये क्या, देखो cos a by cos b equal to m by 1 था ना, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, मतलब आपको क्लियर हो रहा है, इसमें सिंपली हम लोग कॉम्पटेंडो और डिविडेंडो अप्लाई किए, ठीक है। तो कभी भी जैसे इस तरह से रहता है ना, a by b equal to c by d, ये क्या हो जाता है a plus b by 2, जो भी आपका ये दो टर्म है, और प्लस कर दो न्यूमरेटर में, माइनस कर दो इन द डिनोमिनेटर, तो ये वाले इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पटेंटो एंड डिविडेंडो इसमें अप्लाई किए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, कॉट के टर्म्स में लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन आपको न्यूमरेटर वाला पार्ट देख रहे हो, कॉस ए प्लस कॉस बी के टर्म में, जिसका फॉर्मूला अभी हमने देखा था, क्या था, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, ठीक है, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे कॉस ए माइनस बी बाई 2 आ जाएगा, ओके। और इन द सिमिलर वे आप डेनोमिनेटर में भी देखो, नेगेटिव है ना, तो माइनस ऑफ 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 आएगा, आपको जो टर्म पहले कैंसिल आउट हो रहा होगा वो कैंसिल आउट कर देंगे, ओके, इक्वल टू एम प्लस 1 बाई एम माइनस 1, देन आरएचएस में जो था उसको एज इट इज रहने दीजिए, ओके। यहाँ पर देखो कॉस और नीचे डेनोमिनेटर में साइन है, तो यहाँ तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, ये सिर्फ 2 कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं आपका ये हो जाएगा cot a plus b by 2, और इधर पे cot a minus b by 2, तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ देखो ये आ जाएगा cot a plus b by 2, और इधर पे cot
कॉट है, कॉस नहीं है, ठीक है, ए माइनस बी बाई टू, और उसकी वैल्यू आर एच एस में क्या आ गई थी, यहाँ पर देखो एम प्लस वन डिवाइड बाई एम माइनस वन, ठीक है, यहाँ देखो यह नेगेटिव भी था ना, माइनस था ना, यहाँ पर देखो माइनस क्यू था, आपको क्लियर हो रहा है ना, बिकॉज कॉस में यहाँ नेगेटिव साइन है तो माइनस आके लगता है. ओके तो माइनस से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कॉट ए प्लस बी बाई टू, ये वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ओके तो कॉट ये ए माइनस बी क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा बाई टू, और उसकी वैल्यू आपको ये मिल गई. ओके तो यही तो आपको फाइंड आउट करना था ना, क्या आ गया आंसर, देखो एम प्लस वन डिवाइड बाई एम माइनस वन, एम प्लस वन डिवाइड बाई एम माइनस, यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर. आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 10. ओके अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11. ओके एंड दीज आर द ऑप्शंस. सो यहाँ देखो यहाँ क्या करना है आपको, देखो तीन एंगल आपको गिवन है, क्या ए बी सी आर इन एपी, एपी मतलब क्लियर होना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में. यहाँ पर देखो आपको इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, अब बताओ यहाँ पर इसके बारे में आपको क्या याद है, कि तीन एंगल अगर एपी में रहेगा, इट मीन्स आपको क्लियर हो रहा है ये जो तीन एंगल है, ये जो सीक्वेंस था, इसमें कॉमन डिफरेंस जो था बी की वैल्यू सेम होगी, वो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म, है ना, तो यानी बी माइनस ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी माइनस बी, ये क्लियर हो रहा है ना. देखो हम लोग डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते थे, कोई भी सीक्वेंस अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो सेकेंड टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म, वही चीज की है, ठीक है, दोनों इक्वल होगा. ओके सो यहाँ पे देखो दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर टू बी इक्वल टू ए प्लस सी आएगा, ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है ना. ओके तो ये आ गया क्या, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, ठीक है, तो उसको कोई इक्वेशन में, इक्वेशन वन है ना, ये वाला वैल्यू हम लोग बाद में अप्लाई कर सकते हैं इसमें. देखो आपको क्वेश्चन में बोला क्या गया है, साइन ए माइनस ऑफ साइन सी और डिवाइड में क्या है, साइन साइन ए कॉस है, यहाँ देखो कॉस सी माइनस ऑफ कॉस ए, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो यहाँ देखो अगेन क्या दिख रहे हैं ना आपको, ये फॉर्मूला न्यूमरेटर और डेनोमेटर में अप्लाई हो सकता है, जो अभी हमने देखा था साइन सी माइनस ऑफ साइन डी वाला नेगेटिव है ना, तो पहले कॉस होगा टू कॉस, वही वाला पहले अप्लाई कर लेते हैं, ए प्लस सी बाई टू मल्टीप्लाई में साइन ए माइनस सी बाई टू, ठीक है, इन द सिमिलर वे डेनोमिनेटर में भी देखो क्या है, नेगेटिव है तो माइनस रहेगा, माइनस ऑफ टू साइन ए प्लस सी बाई टू या फिर सी प्लस ए बोलो, ठीक है, और साइन सी माइनस ऑफ ए बाई टू, यहाँ तक समझ में आ रहा है. यहाँ देखो टू टू कैंसल आउट हो गया, और तो कुछ कैंसल नहीं होगा, यहाँ देखो हो सकता है क्यों नहीं होगा, यहाँ देखो माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये वाले टर्म्स है, देखो ये माइनस को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा ना ए माइनस सी में चेंज हो जाएगा, तो इसमें ए माइनस सी लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया, तो यहाँ तो देखो ये दोनों टर्म तो कैंसल आउट हो गया ना. अब देखो कॉस बाई साइन यानी कि कॉट, अब देखो वन मोर थिंग, यहाँ देखो ए प्लस सी की वैल्यू आप क्या पुट अप कर सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन वन देखो टू बी लिख सकते हैं ना, यहाँ लिख दिया टू बी, टू टू कैंसिल यानी कॉट बी आ जाएगा, देखो ये वाले होल की वैल्यू यहाँ पर आप देखो ए प्लस सी बाई टू इक्वल टू बी आ जाएगा, तो हम सिंपली ये वाला वैल्यू क्या किए यहाँ पुट अप किए हैं, इसकी वैल्यू की जगह पे बी कॉस बी बाई साइन बी, तो ये आ गया कॉट बी, यही तो आपको फाइंड आउट करना था इसकी वैल्यू, यानी कॉट बी इज द आंसर. तो यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. आई होप ये क्वेश्चन में क्लियर हो गया होगा. क्वेश्चन नंबर 11 मेन यहाँ पर क्या था आपको, ये एपी का ये याद रखना था, है ना, एथमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब कॉमन डिफरेंस जो रहता है वो सेम रहता है, वो डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोई भी दो टर्म का सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेकंड टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म, इन द सिमिलर वे ये दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट किए, इसकी वैल्यू भी इससे इक्वल होगी, वही चीज यहाँ की है. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, क्वेश्चन नंबर 11. ओके अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12 एंड दीज आर दी ऑप्शंस ए बी सी डी. देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, कि यहाँ पर देख रहे हैं आपको तीन नंबर दे दिया गया, साइन बी प्लस सी माइनस ऑफ ए ये है, फिर और एक ये है आर इन ए बी, अगेन सिमिलर है प्रीवियस वाला जैसा ही, उसमें ए बी सी दिया गया था, दैट दीज थ्री नंबर आर इन ए बी,
इन द सिमिलर यहाँ भी कुछ आपको टर्म दे दिया गया है दैट दे आर इन एपी. आपको क्या करना है यहाँ देखो, कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन, देखो कॉट ए कॉट बी कॉट सी आपको बताना है आइदर इट इज इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन या फिर एपी में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये तीनों टर्म के बारे में आपको बताना है. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 12 देखो, आपको जो गिवन इन्फॉर्मेशन है दैट दे आर इन एपी, अगेन सिमिलर पहले वाला जैसे ही अप्लाई करेंगे, जैसे कि दो टर्म का आपको डिफरेंस हर बार सेम आएगा, तो यहाँ भी वही चीज करेंगे. यहाँ देखो क्या दिया गया है, दैट दीस थ्री टर्म आर इन एपी, यानी ये आपको फर्स्ट टर्म ले लो, ये सेकेंड टर्म ले लो, ये थर्ड टर्म ले लो. ठीक है, तो तीनों टर्म है बोल दिया गया एपी में है, तो आपको पता है डिफरेंस इक्वल आता है, यानी सेकेंड टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म आप करोगे. ओके, जैसे प्रीवियस वाला किए तो सिमिलर वैसे ही करेंगे. ओके, वो किसकी इक्वल रहता है, थर्ड टर्म माइनस ऑफ सेकेंड टर्म, ये समझ में आ रहा है ना? तो सेकेंड टर्म आपका देखो ये वाला है, तो लिख लेते हैं. देखो साइन सी प्लस ए माइनस ऑफ बी, और माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म आप देखो क्या है, साइन बी प्लस सी माइनस ऑफ ए. ठीक है, और इन द सिमिलर थर्ड टर्म आप देखो क्या है, साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ सी, और सेकेंड टर्म अगेन वही वाला, साइन सी प्लस ए माइनस ऑफ बी. तो ये क्लियर हो गया ना? सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा. सिंपली देखो तीन, अगर सपोज कर लो यहाँ पर देखो ए बी सी ले ली, ये तीन टर्म दिया गया एपी में बोल दिया गया, तो आपको पता है दो टर्म का डिफरेंस हर बार सेम आता है एपी में है, बिकॉज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो वही लिखे हैं सेकेंड टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस ऑफ सेकेंड टर्म, दोनों का जो वैल्यू है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों को वैल्यू से पुट अप किए. क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ अगेन क्या देख रहे हैं, साइन सी माइनस ऑफ साइन डी, जो अभी आपने फॉर्मूला देखा वही अप्लाई इसमें कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ देखो क्या रहता था, यहाँ देखो नेगेटिव है ना, तो टू कॉस ए प्लस बी बाई टू, ये दोनों एंगल को ऐड करो. ठीक है, तो ऐड करते हैं, तो यहाँ देखो ऐड किया तो माइनस बी और प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है, ए भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी सिर्फ सी वाला टर्म बचेगा, यानी टू सी बाई टू. सिंपल दोनों को एंगल को ऐड किए, और इन द सिमिलर वे ए माइनस बी बाई टू, ये दोनों आप एंगल को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करते हैं, पहले ऐड किए आप सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो सी वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा टू ए और इधर पे माइनस ऑफ, यहाँ पर देखो मैं लिख देती हूँ, देखो ये बचेगा टू ए और माइनस ऑफ बी, यानी माइनस ऑफ टू बी बाई टू, तो दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करना. ओके, तो यहाँ तक आपका ये वाला क्लियर होगा. इन द सिमिलर वे ये वाले टर्म को भी आप साइन सी और साइन डी समझो, तो उस तरह से सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू. ठीक है, तो ए प्लस बी यानी कि ऐड करते हैं, देखो ऐड करने से सबसे पहले देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, बी तो कैंसिल आउट हो गया, सी भी कैंसिल आउट हो गया, यानी ए सिर्फ बचेगा टू ए बाई टू. ठीक है, और साइन में अब सब्ट्रैक्ट करो दोनों को. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ए भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ ए भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखो आपका रिमेनिंग क्या बचेगा, टू बी और माइनस ऑफ टू सी बाई टू. ओके, तो यहाँ देखो आपका टू टू तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, जो भी एंगल में देखो सब में टू कॉमन आ रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो कैंसिल आउट कर देते हैं. ठीक है, तो आपका रिमेनिंग क्या बचेगा, यहाँ देखो टू कॉस सी और साइन ऑफ ए माइनस बी. ठीक है, और इधर पे भी देखो टू कॉस ए और साइन में बी माइनस सी. यहाँ तक क्लियर है? तो देखो आपको क्या बोला गया है, कॉट ए कॉट बी और कॉट सी बताना है किस फॉर्म में है, एपी में है, जीपी में है या एचपी में है. ठीक है, सो देखो यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, कुछ कैंसिल हो रहा है, तो क्या किया जाए, तो यहाँ देखो आपको इसका फॉर्मूला पता है, आपने ये पढ़ा है, ये वाला कॉस ए माइनस बी और ये वाला है ना साइन ए माइनस बी और साइन बी माइनस सी, इस टाइप का फॉर्मूला आपने देखा ही था प्रीवियस जो एमसीक्यू मैंने कराया था उसमें, है ना? तो वही फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आप देखो क्या, देखो इक्वल टू क्या है, टू कॉस सी. ठीक है, तो यहाँ लिख लेते सबसे पहले टू कॉस सी, और मल्टीप्लाई में देखो क्या है, साइन ए माइनस बी है ना, तो यहाँ बताओ साइन ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए
कॉस बी, और यहाँ नेगेटिव है ना तो माइनस रहेगा, माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी। ये क्लियर हो रहा है? सिंपल हम लोग फॉर्मूले अप्लाई किए हैं ये वाले के जगह में साइन ए माइनस बी के बदले। इन द सिमिलर वे अब आरएचएस वाला साइड में देखो, टू कॉस ए इधर पे हो गया, और अगेन जो आपने फॉर्मूला अभी मैंने बताया साइन ए माइनस बी वाले, इसमें भी अप्लाई करेंगे, बी और सी एंगल है इसमें, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन बी कॉस सी, और माइनस ऑफ क्या रहेगा यहाँ पे बताओ, कॉस बी माइनस ऑफ साइन सी, ठीक है। ये समझिए माइनस के बाद ये वाला एंगल, ओके। अब सिंपल ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो यहाँ देखो टू कॉस सी साइन ए कॉस बी आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के जब भी मल्टीप्लीकेशन रहेगा ना, तो आप ए बी सी कॉस साइन ये सब ध्यान में रखना, आपको कंफ्यूजन इसमें हो सकता है, ठीक है। कुछ भी उल्टा फुल्टा मत लिख देना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा थोड़ा सी मिस्टेक से, ओके। ये हो गया कॉस सी, अब माइनस ऑफ ये भी हो गया, ये भी लिख दिए टू कॉस ए। अब देखो दोनों साइड कोई आपका सिमिलर है क्या, अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो फिर देखा जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, सो यहाँ देखो कॉस ए यहाँ है, और यहाँ देखो कॉस ए है, कॉस ए यहाँ पर है क्या, हाँ है यहाँ पर, और साइन बी भी है, कॉस सी भी है, हाँ। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म देखो दोनों सेम है ना, देखो कॉस ए यहाँ भी कॉस ए, साइन बी साइन कॉस सी, ये दोनों टर्म सिमिलर है, ये दोनों टर्म तो सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं सिंपली। ये देखो ये वाला टर्म को आरएचएस में भेज दिया तो क्या आ जाएगा, टू प्लस टू डेट इज फोर आ जाएगा, फोर कॉस ए साइन बी और कॉस सी, क्लियर हो रहा है? सिंपली ये दोनों सिंपल है, ऐड कर दिए, ओके। और रिमेनिंग जो रह गया वो लिख देते हैं, टू कॉस सी साइन ए कॉस बी, सिंपल जो टर्म है वही वाले लिख दिए हैं, और ये वाले को आपका एलएचएस में भेज दिए, तो यानी ये भी प्लस हो जाएगा, टू कॉस ए साइन बी और साइन में सी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? सो यहाँ देखो यहाँ फोर है यहाँ टू है, तो टू हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ टू कॉमन ले लिए, तो ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाले से, तो ये हो गया टू, यहाँ टू बचेगा, ठीक है। सिंपल कैंसिल आउट कर दिए हैं, यहाँ टू आ गया, ठीक है। अब यहाँ बताओ अब नेक्स्ट स्टेप क्या किया जाए, अब ऑप्शन में देखो आपको कॉट के टर्म्स में लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, देखो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ठीक है। तो डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर देखो LHS वाले साइड में cos A कैंसिल आउट हो गया, cos C भी कैंसिल आउट हो गया, यानी इधर आपको क्या बचेगा, cos sin by cos है ना, यानी tan भी आपका रिमेनिंग रह जाएगा, और इन द सिमिलर वे यहाँ भी देखो cos C कैंसिल हो जाएगा, cos B भी कैंसिल, यानी tan A आएगा इधर, और इधर पे इन द सिमिलर वे यहाँ भी देखो ये दोनों टर्म cos वाला टर्म सिर्फ कैंसिल आउट होगा, यहाँ देखोगे ये cos B है, यहाँ मिस्टेक हो गया है, ठीक है। यहाँ देखो कॉस है, सो यहाँ पे देखो कॉस ए और कॉस बी कैंसिल आउट हो गया, और सिर्फ साइन वाला टर्म रहेगा, यानी टैन सी आ गया, ठीक है, ओके। आपको देखो कॉट के टर्म्स में लिखना है, तो इसको हम लोग क्या रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये हो गया वन टू बाई कॉट बी विच इज इक्वल टू वन बाई कॉट ए एंड प्लस वन बाई कॉट सी, रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। अब देखो ये किस फॉर्म में आ गया, वन बाई कॉट ए प्लस वन बाई कॉट सी इज इक्वल टू टू बाई कॉट बी, इट मीन्स दैट ये जो तीनों आपको नंबर्स गिवन थे इट इज इन एच पी, ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो यहाँ पर आप देखो एच पी इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो यहाँ देखो अगर ये जैसे मैंने बताया टू कॉट बी इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट सी में अगर इस तरह से आता तब बोलते दैट इट इज इन ए पी। देखो जीपी का क्या केस था कि अगर तीन नंबर जीपी में है इट मीन्स दैट रेशियो सिमिलर रहता था ना, यानी बी बाय ए
इज इक्वल टू सी बाय बी लिखते थे, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता था, है ना। तो इन द सिमिलर वे अगर कॉट के टर्म्स में यहाँ भी लिखें तो कॉट स्क्वायर बी इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट सी, अगर इस तरह से आपका आ जाता तो आप बोलते दैट द गिवन टर्म द सीक्वेंस जो है इट इज इन जीपी। ओके, तो समझ में आ रहा है ना, एपी में रहेगा तो ये वाला केस है, दैट इज टू बी ये ले ली इक्वल टू ए प्लस सी, और जीपी रहा तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। यहाँ देखो इस तरह से आया है ना वन बाई के टर्म में, इट मीन्स इट इज इन एच पी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 12। तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि कभी भी कोई सीक्वेंस इस तरह से नंबर दे दिया गया, आइदर इट इज इन एपी जीपी और एचपी, तो आपको क्लियर हो गया है एपी में रहेगा तो इस तरह से आएगा बी जीपी और एचपी का भी, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, बस ये लास्ट दो ही क्वेश्चंस रह गया और ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आप बाकी जो क्वेश्चन है वो भी देख लेंगे, मल्टीपल ऑफ एंगल्स पे बेस्ड एमसीक्यूज है तो वो भी मैं करवा दूंगी, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं साइन 3x प्लस साइन 3y की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये आपका कुछ गिवन है। तो यहाँ पर देखो ये गिवन वैल्यू है साइन x प्लस साइन y इक्वल टू रूट 3 cos y माइनस ऑफ cos x, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, यहाँ पर देखो LHS वाला साइड क्या हो जाएगा 2 sin x plus y by 2, ठीक है, और cos x minus y by 2, ठीक है। इन द सिमिलर वे RHS वाला साइड देखो रूट 3 है और ये भी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स cos नहीं दो, देखो नेगेटिव है ना तो sin रहेगा दोनों, ठीक है। sin क्या रहेगा y प्लस एक्स बाई टू और मल्टीप्लाई में साइन, यहाँ देखो माइनस है ना तो माइनस ऑफ यहाँ रहेगा माइनस ऑफ साइन और यहाँ भी y माइनस एक्स रहेगा, तो यहाँ जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट x माइनस वाई ही लिख देते हैं, क्लियर हो रहा है ना। सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा x माइनस वाई बाई टू, ठीक है। सो यहाँ पर देखो अगेन क्या देख रहे हैं, ये जो आपका दोनों साइड में सिमिलर है, ठीक है, तो कॉमन ले लेते हैं, ये सारा टर्म को आप LHS में ले आओगे तो ये इस तरह से आ जाएगा 2, सबसे पहले तो 2 तो कैंसिल आउट कर दो, यहाँ देखो ठीक है 2 कैंसिल आउट कर दिया। अब देखो साइन x प्लस वाई बाई टू और मल्टीप्लाई में देखो ये वाला आपका टर्म है LHS वाला साइड में देखो x माइनस वाई बाई टू, अब देखो ये वाला होल टर्म जो RHS में उसको सारे को LHS में ले आएंगे, उसके बाद कॉमन ले लिए तो यहाँ माइनस ऑफ रूट 3 साइन x माइनस वाई बाई टू आ जाएगा, ठीक है, एंड इस विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो आपको क्या बोला गया, साइन 3x प्लस साइन 3y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल टू जीरो। अब बताओ साइन की वैल्यू जीरो कब होती है, साइन जीरो डिग्री पर, ठीक है, तो दोनों साइड साइन कैंसिल हो गया यानी एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल टू जीरो आ गया। तो यहां से आपको एक्स की क्या वैल्यू मिल गई बताओ, एक्स देखो एक्स इक्वल टू माइनस वाई मिल गया, ये आपको क्लियर हो रहा है। देखो सिंपल ये टू कैंसिल आउट हो गया, वाई को उधर भेज दी यानी एक्स इक्वल टू माइनस वाई एक वैल्यू आपको मिला व्हेन जब साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल टू जीरो किया तब। अब दूसरा जो ब्रैकेट वाला वैल्यू है इसको इक्वल टू जीरो करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू है माइनस ऑफ रूट 3 साइन एक्स माइनस वाई बाई टू है एंड विच इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये वाला टर्म को आप RHS में भेज दोगे तो इस तरह से आ जाएगा 3 साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, ठीक है। अब देखो इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं कॉस कॉस से कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू से, ये वाला टर्म को इससे डिवाइड कर दिए तो ये आ जाएगा टैन एक्स माइनस वाई बाई टू एंड विच इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 आ जाएगा। अब तो 1 बाई रूट 3 टैन के कौन से एंगल पे आता है, 30 डिग्री पर यानी कि पाई बाई, तो यहां से आपको देखो
एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू फाइव बाई सिक्स ये मिल गया। यहाँ से भी आपको एक वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पर देखो टू कैंसिल आउट कर दिया, यानी एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या मिल गया, फाइव बाई थ्री। ओके, सो यहाँ पर देखो आपको दो वैल्यू मिला है, एक मिला एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ वाई और एक है एक्स माइनस वाई इक्वल टू फाइव बाई थ्री। अब देखो आपको क्वेश्चन में बोला क्या गया था कि आपको साइन थ्री एक्स ओके और प्लस में क्या था साइन थ्री वाई, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग दो केस कंसिडर करेंगे। पहला केस वन हो जाएगा व्हेन एक्स इक्वल टू माइनस वाई, जो आप पहला कंडीशन निकाले थे ये वाला, इस तरफ निकाले है ना ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू जब हम लोग माइनस ऑफ वाई पुट अप करेंगे, यहाँ पर देखो माइनस ऑफ वाई पुट अप करेंगे, थ्री ऑफ माइनस ऑफ वाई तो प्लस ये। ठीक है, तो यहाँ बताओ इसकी वैल्यू तो माइनस ऑफ साइन थ्री वाई हो जाएगी और प्लस में साइन थ्री वाई है, तो उसको सॉल्व किया तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या मिल गई, जीरो मिल गया एक वैल्यू। दूसरा वैल्यू भी देख लेते हैं ये वाले से, यहाँ पर देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ देखो एक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, वाई प्लस फाइव बाई थ्री, या फिर आप बोलो ये थ्री से भी एलसीएम ले लेते हैं तो थ्री एक्स इक्वल टू थ्री वाई प्लस फाइव आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखो केस वन आपने ये ले लिया व्हेन एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ वाई, केस टू क्या ले लेंगे, ये दूसरा वाला कंडीशन जो है डेट थ्री एक्स इक्वल टू थ्री वाई प्लस फाइव। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग सिमिलर थ्री एक्स की जगह पे ये पुट अप करेंगे दैट इज फाइव प्लस थ्री वाई और प्लस में क्या था साइन थ्री वाई। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग इसकी वैल्यू चेक कर लेंगे, साइन थ्री एक्स प्लस साइन थ्री वाई क्या है। ठीक है, तो बताओ आप 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री यानी इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, इवन में आपने क्या पढ़ा था कि साइन चेंज नहीं होता है ना, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, साइन का साइन में रह जाएगा साइन थ्री वाई और पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव एंगल पर डिपेंड, 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में नेगेटिव होता है और इधर पे साइन थ्री वाई। तो अगेन क्या देख रहे हैं, इसकी वैल्यू जीरो आ गई दोनों केस में, है ना, दोनों वैल्यू जो आपने निकाला था यहाँ पर इस तरह से दोनों वैल्यू में जीरो आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी आंसर हो गया ये वाले का, यानी इसकी वैल्यू जीरो आ गई। आई होप क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह सॉल्व किया, इसमें दो केस लिए थे है ना, दोनों वैल्यू एक्स का जो आया था उससे। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। सो नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, तो ये भी देख लेते हैं। टेन अल्फा गिवन है कुछ वैल्यू है, टेन बीटा गिवन है, देन यहाँ पर आई थिंक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर क्या था अल्फा प्लस बीटा की आपको इसमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसको क्या किया जाए, देखो टेन के टर्म्स में इसमें तो एक ही फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, टेन का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्या था बताओ, टेन अल्फा प्लस बीटा, आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन मैं प्रीवियसली भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो ये तो मैं सॉल्व करने नहीं वाली, ये आप खुद से सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ कमेंट में। ठीक है, सो मैं इसमें सिर्फ आपको हिंट ये बता देते हैं जिसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो देखो क्या था, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा और डिवाइड बाई वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। ठीक है, तो देखो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें। ओके, देखो यहाँ टेन अल्फा की वैल्यू भी गिवन है, टेन बीटा भी गिवन है, सिंपली वैल्यू पुट अप करना। अब देखो आर एच एस वाले साइड को सॉल्व करोगे कुछ भी वैल्यू आएगा, जीरो वन इसी तरह से वैल्यू आएगा। ठीक है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, अब उसमें देखना कि टेन कौन से डिग्री पर कौन से एंगल पर वो वैल्यू आता है, इक्वल टू वही टेन समथिंग लिख देना और फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू उसमें आ जाएगी, या फिर आप टेन दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है सिंपल, जो भी गिवन वैल्यूज है सिंपली पुट अप करो, जीरो या वन इस तरह से कुछ भी आएगा, आइदर टेन के टर्म्स में ही आएगा जो उसका वैल्यू आपको याद है। ओके, तो वो एंगल लिख देना, फिर देखना कि दोनों साइड टेन कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ईजी है, प्रीवियसली भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको डिस्कस किया है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करनी, ये आपको होमवर्क रह गया क्वेश्चन नंबर 14। सो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से बेस्ड क्वेश्चन हो गए सारे क्वेश्चन नंबर 14 तक। ओके, सो एंड आई होप सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, और सो दैट्स ऑल आज के लिए, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो है ना, एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियो, और टेलीग्राम और इंस्टा पे ज्वाइन हो जाओ।
आपको टेलीग्राम पे वेरियस पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगा, उससे भी आप प्रैक्टिस कर लेना एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. सो दैट्स ऑल. थैंक यू. बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिस.